नमस्कार बच्चों, पिछली वीडियो में आपने पाठ कन्याकुमारी की यात्रा का एक हिस्सा मुझसे सुना और समझा। आइए इस वीडियो में मैं आपको उसी पाठ के बचे हुए हिस्से को समझाने का प्रयास करती हूँ। आपसे आग्रह करती हूँ कि आप एक बार पाठ को अच्छी तरह पढ़ना न भूलें। पिछले वीडियो में हमने कई बातें जानी और अंत में हमने ये जाना कि विवेकानंद शिला मंडप क्या है और उसकी विशेषता क्या है। स्वामी विवेकानंद जी ने आध्यात्मिक प्रचार के लिए अमेरिका जाने से पहले इसी शिला पर बैठकर आत्मज्ञान प्राप्त किया था, यानी अपने आप को पहचाना था। स्वयं को पहचानना बहुत आवश्यक है। हम जब तक अपने आप को, अपनी बुराइयों को, अच्छाइयों को, कमियों को अच्छी तरह नहीं पहचानते हैं, तब तक दूसरों के विषय में जानने का अधिकार हम नहीं रख पाते हैं। यह बात स्वामी विवेकानंद जी ने इसी शिला पर बैठकर समझी थी और इस बात की सच्चाई को, इस बात में छिपे तथ्य को पहचाना था और इसके पश्चात वे अमेरिका जाकर धर्म के सही और सच्चे स्वरूप का प्रचार और प्रसार कर पाए थे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी शिला के विषय में कुछ और बातें, कुछ और रोचक बातें जानते हैं। सन 1962-63 में स्वामी जी की जन्म शताब्दी के सुअवसर पर लगभग 85 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर लाल पीले रंगीन पत्थरों से निर्मित एक बहुत ही सुंदर एवं कलात्मक मंडप बनवाया गया, जो करीब 26 मीटर लंबा तथा 12 मीटर चौड़ा है। सन 1962 और 63 अर्थात ईयर 1962 और 63 में जब स्वामी विवेकानंद जी का जन्म समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया, उनके जन्म की शताब्दी मनाई गई, जिसे हम बर्थ सेंचुरी कहते हैं, उस अवसर पर यहाँ रंगीन पत्थरों से, कलरफुल स्टोन्स से लगभग 26 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा एक कलात्मक, एक बहुत ही आर्टिस्टिक मंडप, जो मंडप कह सकते हैं, जो जिसे हम कक्ष भी कहते हैं, कमरा जिसे कहेंगे, लेकिन यह कमरा दूसरी तरह का है, यह मंडप बनवाया गया। इसमें जो खर्च आया, जो लागत, जो कीमत इसकी थी, वह थी 85 लाख रुपए, यानी 85 लाख, जो अब शायद और ज़्यादा हो जाए। तो इस तरह से विवेकानंद शिला मंडप को फिर से सुंदर तरीके से, सुंदर ढंग से बनाया गया। इसकी मेहराब 20 मीटर ऊंची है, जिसके नीचे परिवराजक मुद्रा में खड़ी 3.25 मीटर ऊंची काले चमकीले पत्थर की भव्य मूर्ति यहाँ आए दर्शकों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसकी मेहराब अर्थात इसके दरवाजे पर आर्क शेप में, मेहराब का अर्थ होता है धनुषाकार रूप में, जिसे अंग्रेजी में आर्क कहते हैं, आर्क शेप में इसकी ऊंचाई है दरवाजे की, जो लगभग 20 मीटर ऊंची है, और उसके नीचे, यानी उस आर्क के नीचे परिव्राजक मुद्रा में, यानी सन्यासी की मुद्रा में, सन्यासी के पोज में लगभग 3.25 मीटर ऊंची काले चमकीले पत्थर की, ब्लैक शाइनिंग स्टोन की एक सुंदर मूर्ति दर्शकों को अपनी तरफ खींचती है, आकृष्ट करती है।
अट्रैक्ट करती है। इस मंडप में विवेकानंद के मुख्य मंडप के अलावा दो और मंडप भी हैं, ध्यान मंडप और श्रीपाद मंडप। इस मंडप में एक तो विवेकानंद शिला मंडप है, उसके अलावा दो मंडप और हैं, ध्यान मंडप और श्रीपाद मंडप। तमिल भाषा में मंडप अथवा मंडपम स्मारक को ही कहते हैं। तमिल लैंग्वेज में मंडप स्मारक को कहा जाता है, जो किसी की मेमोरी में बनाया जाए, किसी की याद में बनवाया जाए, उसे मंडपम अथवा मंडप कहते हैं। समुद्र के अंदर बने इस मंडप तक पहुंचने के लिए यात्री को तट से शिला तक की यात्रा नाव में बैठकर करनी होती है। मैंने आपसे कहा था कि कन्याकुमारी एक आइलैंड है, जिसे हम अंग्रेजी में आइलैंड कहते हैं, किंतु हिंदी में इसे अंतरीप भी कहते हैं। यह समुद्र के अंदर है। जब हम इस मंडप को, विवेकानंद शिला मंडप को देखने के लिए जाते हैं, तो हमें तट से यानी किनारे से नाव में बैठना होता है और शिला तक की यात्रा करनी होती है, यानी शिला तक हमें नाव में बैठकर जाना होता है। यहाँ की नावें बड़ी बड़ी और मुड़े हुए सिरों वाली होती हैं, जो डीजल से चलती हैं। आपने कई बार देखा होगा केरल की नौका दौड़ प्रतियोगिताएं होती हैं, जहाँ किनारे से नाव के सिरे मुड़े हुए होते हैं। उसी तरह की नावें यहाँ भी चलती हैं, जो डीजल से चलाई जाती हैं। डीजल का प्रयोग ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में डीजल का प्रयोग होता है इनमें। एक नाव में एक साथ लगभग 100 व्यक्ति बैठ सकते हैं। एक नाव में एक बार में एट ए टाइम लगभग 100 व्यक्ति यानी 100 पीपल कैन सिट, 100 लोग एक बार में बैठ सकते हैं। समुद्री लहरों से बार बार टकराती और हिचकोले खाती नाव यात्रा करते समय भय मिश्रित आनंद का संचार होने लगता है। जब हम नाव में बैठते हैं और शिला तक पहुंचने की यात्रा शुरू करते हैं, बीच में जो अनुभव हमें होते हैं वे भय मिश्रित होते हैं और उनमें कहीं ना कहीं आनंद भी होता है। भय मिश्रित आनंद एक प्रकार की ऐसी अनुभूति है, एक प्रकार की ऐसी फीलिंग है, जो हमें बड़ा रोमांचित करती है, थ्रिल पैदा करती है हमारे मन में। जहाँ एक तरफ हम डरे हुए होते हैं, भय में होते हैं, वहीं दूसरी ओर हमें आनंद भी मिल रहा होता है। जैसे अगर उदाहरण मैं आपको दूँ, तो जिस प्रकार बड़े बड़े झूलों में आप बैठते हैं, कभी वो पायरेट शिप है तो कभी वह पायरेट शिप है तो कभी वो जायंट व्हील है, जहाँ एक ओर उसमें बैठकर ऊपर जाने और नीचे आने का आनंद होता है, वहीं दूसरी ओर हमारे मन में एक तरह का भय भी होता है कि कहीं हम गिर ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। किंतु फिर भी इस भय के होने के बावजूद भी, इस भय के होने के बाद भी हम उस आनंद को लेना चाहते हैं, हम उस आनंद का सामना करना चाहते हैं, जिससे हम भय को भी हंसकर झेल लेते हैं। तो यह है भय मिश्रित आनंद, ऐसा आनंद जिसमें भय भी मिश्रित हो, भय मिला हुआ हो। अब है अंतरीप के आकर्षण, अर्थात इस आइलैंड के अट्रैक्शंस क्या है, क्या आकर्षण है, लोग यहाँ क्यों जाते हैं। वस्तुतः कन्याकुमारी तमिलनाडु का एक छोटा सा कस्बा है, कस्बा यानी टाउन। तमिलनाडु का एक छोटा सा टाउन है कन्याकुमारी, कहने को छोटा है किंतु आकर्षण बड़ा है, जिसकी आबादी 5-6 हजार के लगभग होगी। आबादी का अर्थ होता है पॉपुलेशन। यहाँ लगभग 5-6 हजार लोग ही रहते होंगे। यहाँ का भूभाग कुछ ऊंचाई पर होने के कारण
आंधी तूफान एवं ज्वार भाटा के समुद्री लहरों के प्रकोप से हर तरह से सुरक्षित है। कन्याकुमारी आइलैंड है जो ऊंचाई पर स्थित है, इसी कारण किसी भी प्रकार के नेचुरल डिजास्टर यानी प्राकृतिक आपदा से यह भूभाग सुरक्षित रहता है। ज्वार भाटा का अर्थ होता है हाई टाइड और लो टाइड, ये आपको मालूम है क्योंकि आप गोवा में हैं, आप इससे भली भांति परिचित हैं। समुद्री तूफानों से, किसी भी प्रकार के समुद्री तूफान से यह स्थान पूरी तरह से सुरक्षित है क्योंकि यह ऊंचाई पर स्थित है। यहां पर एक ही बाजार है जिसमें सागर से मिलने वाली शंख, मोती, सीप जैसी वस्तुओं की कई दुकानें हैं जिन्हें लोग सौगात के रूप में मोल लेकर अपने अपने प्रदेशों को लौटते हैं। हम सब भी कहीं जाते हैं तो लौटते समय अपने मित्रों को ध्यान में रखते हुए हम उनके लिए सौगात खरीदना नहीं भूलते। सौगात का अर्थ होता है उपहार। जब भी हम कहीं जाते हैं तो वहाँ से अपने सगे संबंधियों के लिए, अपने जानने वालों के लिए, अपने मित्रों के लिए उपहार खरीद कर लौटते हैं ताकि हम उन्हें वे उपहार दे सकें और वे हंस कर उन्हें लें और हमारा रिश्ता मजबूत और प्रगाढ़ हो। कन्याकुमारी में एक ही बाजार है जहां समुद्र से, सागर से मिलने वाले शंख, सीप और मोती के सामान मिलते हैं। जो भी वहां जाता है उन्हें उपहार के तौर पर खरीद कर ही अपने प्रदेश को, अपने राज्य में लौटता है। कन्याकुमारी का मुख्य आकर्षण त्रिसिंधु सुषमा में है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। त्रिसिंधु सुषमा यानी तीन सागरों से निर्मित सुंदरता। कन्याकुमारी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, कन्याकुमारी के तीनों ओर सागर हैं। कन्याकुमारी सागरों से तीनों ओर घिरा हुआ है, इसीलिए इसे आइलैंड कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं। इनमें पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। जब ये तीनों एक जगह मिलते हैं आकर, वह आकर्षण देखने योग्य है और यही दर्शकों को अपनी ओर खींचता है, आकृष्ट करता है और लोग वहां घूमने चले जाते हैं। तीनों मिलकर भारत माता की चरण वंदनारत दिन रात अनुक्षण अनवरत अविराम गति से लहराते रहते हैं। इन तीनों को देखकर ऐसा महसूस होता है कि ये तीनों भारत माता की चरणों की वंदना कर रहे हैं, उनके चरणों की पूजा कर रहे हैं। अनुक्षण अनवरत अविराम अर्थात लगातार बिना रुके हुए वे उनकी साधना में, भारत माँ की पूजा में, अर्चना में लगे हुए हैं। यहाँ से सागर गर्जन और सागर नर्तन का विमोहक दृश्य भी देखते ही बनता है। सागर में गर्जना होती है, सागर नृत्य करता है, सागर नर्तन अर्थात सागर जो नृत्य करता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि सागर किस तरह से गर्जना करता है, रोर करता है और कैसे नाचता है। तो कभी आप समुद्र के किनारे खड़े हो जाइए और सागर में उठने वाली, आपके पास आने वाली लहरों और आपके पास से लौटने वाली लहरों को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि सागर गर्जन और सागर नर्तन क्या है। बच्चों, प्रकृति हमारे बहुत समीप है, पास में है और प्रकृति के हर घटक हमसे कुछ ना कुछ कहते हैं, बात करते हैं, किंतु हम में वह क्षमता नहीं होती कि हम उन बातों को सुन पाए। यदि हम अपने आप को हर प्रकार के शोर शराबे से दूर कर प्रकृति को सुनने की क्षमता अपने आप में बढ़ाएं, तो हम अवश्य ही प्रकृति की सुंदरता को भली भांति अच्छी तरह से
समझ लेंगे, उसे देख पाएंगे और शायद हम उसे लिख भी पाएंगे। यहाँ सागर गर्जन और सागर नर्तन का अर्थ है समुद्र में उठने वाली लहरें जो किनारे तक आते हुए आवाज़ करती हैं और नाचती हुई आती हैं और फिर उसी आवाज़ के साथ नाचती हुई लौट भी जाती हैं। यह दृश्य विमोहक होता है। विमोहक का अर्थ है आकर्षक, जो हमें अपनी ओर खींचता है, अट्रैक्ट करता है। समुद्र के तट से कभी धीमे और कभी प्रचंड स्वर से बार बार टकराती श्वेत गुच्छों वाली समुद्री लहरियों से ऐसी सुमधुर स्वर लहरी सुनाई देती है जिसकी तुलना में सरगम के सातों स्वर फीके से लगने लगते हैं। जब हम इन लहरों की आवाज को सुनते हैं, जब हम इनकी धुन को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, तब हमें सरगम के सातों स्वर फीके लगने लगते हैं, यानी गाने भी सुंदर और सुमधुर गाने भी इनके सामने बेकार लगने लगते हैं, क्योंकि प्रकृति जो गीत गाती है वह सबसे सुंदर और सबसे मधुर गीत है। साथ ही रंग बिरंगी बालुओं से शोभित तीर भूमि, जगह जगह बिखरी काली चट्टाने, किलोमीटरों दूर तक फैली नीलवर्ण जलराशि तथा त्रिसिंधु में यत्र तत्र डोलती नावों को देखकर प्रकृति प्रेमी दर्शक का हृदय प्रफुल्लित हुए बिना नहीं रह सकता। रंग बिरंगी बालू, बालू बालू का अर्थ है सैंड, जिसे रेत भी कहते हैं। सागर के तीर पर अर्थात किनारों पर, तीर भूमि पर रंगीन बालू बिखरी हुई है, जगह जगह काली चट्टाने ब्लैक रॉक्स हैं। दूर तक जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है वहाँ तक जो जल राशि, जो हमें पानी दिखाई पड़ता है, वह नील वर्ण का है, अर्थात नीले रंग का है। वर्ण का अर्थ होता है रंग, नीला अर्थात नील अर्थात ब्लू। नीले रंग का पानी हमें चारों ओर दिखाई पड़ता है और सागरों में यत्र तत्र, यत्र तत्र का मतलब है यहाँ वहाँ डोलती हुई नावें, इन दृश्यों को देखकर जो प्रकृति प्रेमी होते हैं, जो प्रकृति से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, ऐसे दर्शक विभोर हो उठते हैं, खुश हो जाते हैं और इस दृश्य को देखकर सहज ही कन्याकुमारी की ओर आकृष्ट हुए बिना नहीं रह पाते हैं। अब है सूर्य दर्शन, यानी सूर्य के दोनों रूपों का दर्शन करने लोग यहाँ आते हैं, जो यहाँ की एक प्रसिद्ध बात भी है। अंतरीप कन्याकुमारी का सूर्य दर्शन भी अपना सानी नहीं रखता। कन्याकुमारी आइलैंड का सूर्य दर्शन, इस भूभाग में आने वाले लोग यहाँ का सूर्य दर्शन किए बिना नहीं जाते, क्योंकि इसके समान कहीं और सूर्य दर्शन हमें मिल ही नहीं सकता। वास्तव में सूर्यास्त और सूर्योदय, सूर्य दर्शन के दोनों ही रूप यहाँ से इतने सम्मोहक दिखाई देते हैं जितने संसार में शायद ही कहीं और देखने को मिले। सूर्यास्त और सूर्योदय, यानी जब सूर्य अस्त होता है, जब सनसेट होता है, और सूर्योदय यानी जब सूर्य का उदय होता है, जब सूर्य आसमान में आना शुरू करता है, यानी सनराइज। दोनों ही दृश्य इतने सुंदर हैं कि पूरे संसार में इस प्रकार के सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य कहीं और हमें देखने को नहीं मिलेंगे। विवेकानंद शिला मंडप से होकर जब हम कन्याकुमारी के घाट पर पहुंचे, तब अस्ताचलगामी सूर्य के जल विहार को देखने के लिए बहुत से लोग पहले ही मौजूद थे। अस्ताचलगामी का अर्थ होता है
अस्त की ओर जाने वाला, सूर्य जब अस्त की ओर जाने लगे यानी जब वह अस्त होना शुरू करे, तो जल में उसकी हिलती डुलती परछाई आपको दिखाई पड़ती है। ऐसा लगता है मानो सूर्य जल विहार को निकला हो, यानी वह जल में घूम रहा हो। विहार करना अर्थात घूमना, वह जल में घूम रहा हो। यह दृश्य अपने आप में बड़ा ही विमोहक दृश्य होता है। जब हम कन्याकुमारी के अर्थात लेखक कहते हैं कि जब वे अपने मित्र के साथ घाट पर इस दृश्य को देखने के लिए पहुँचे, सूर्य दर्शन को के लिए पहुँचे, तो वहाँ पहले से ही काफ़ी लोग मौजूद थे। सूर्यास्त में अभी कुछ देरी थी। सूर्य दर्शकों की टोलियाँ इधर उधर से आकर घाट के पश्चिमी छोर पर एकत्र होने लगी, मानो कोई मेला जुड़ रहा हो। दर्शक जो चारों ओर बिखरे हुए थे सूर्य अस्त को देखने के लिए, सूर्य के अस्त को अपनी आंखों में अपने कैमरे में कैद करने के लिए, वे घाट पर यहाँ वहाँ से आकर एकत्र होने लगे, इकट्ठे होने लगे, और यह दृश्य सभी को अपनी ओर खींचने लगा। तो यह था पाठ का शेष बचा हुआ हिस्सा। इस तरह से यह पाठ यहाँ समाप्त होता है बच्चों। पाठ के लेखक हैं हंसराज दर्शक। यह पाठ एक यात्रा संस्मरण है, याद रखिए यह कहानी नहीं है, कहानी के रूप में यह एक यात्रा संस्मरण है। जब हम अपनी किसी यात्रा को स्मरण के तौर पर, स्मृति के तौर पर लिखते हैं, एक आर्टिकल के रूप में, एक अनुच्छेद के रूप में लिखकर सामने वाले को देते हैं, तो उसे यात्रा संस्मरण कहा जाता है। याद रखिएगा यह एक यात्रा संस्मरण है, और इस यात्रा संस्मरण के लेखक हैं श्री हंसराज दर्शक। आगे की पाठ की चर्चा अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।